वीकेंड के वार में करण जौहर ने उठाए अंकिता लोखंडे पर सवाल। वेल, जिस तरीके से पिछले वीकेंड के वार के बाद अंकिता का ये था कि अब मुनावर से वो वाली फीलिंग नहीं आ रही है, वो स्टैंड खुल करके नहीं लेता है और एक स्टेप बैक करना है मुझे मुनावर से, तो ये सारी जो मुद्दे हैं ना वो उठाए गए हैं। यहाँ पर ये बोला जा रहा है करण जौहर के द्वारा कि अचानक से आपको क्या हुआ ऐसा, क्योंकि इतने टाइम से आप बोल रही थी कि मुनावर मेरा दोस्त है, मुन्ना मेरा दोस्त है। यहाँ पर मुनावर से पूछा गया कि क्या आप कन्विंस हैं कि आप और अंकिता दोस्त हो, तो मुनावर ना कहते हुए नजर आ रहे हैं प्रोमो में। अब देखते हैं कि इसमें कितनी एडिटिंग हुई है, क्योंकि प्रोमो में लग रहा है कि वो ना कहते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर अंकिता को बोला जा रहा है कि इतने टाइम से ढिंढोरा पीट रही थी कि मुन्ना मेरा दोस्त है, मुनावर मेरा दोस्त है, लेकिन दो दिनों से ये क्या कर रही है कि इनको स्टेप बैक लेना है, और फिर क्योंकि ये ऐसा इसलिए कर रही है कि इनको पता चल गया है। पहली बार मुनावर फारूकी ने खुल करके अपनी प्रायोरिटी बता दी कि मेरी प्रायोरिटी अभिषेक, मनारा और रिंकू है। जिसके बाद अंकिता कह रही है कि नहीं, इसने ये नहीं बोला था, इसने ये बोला कि मेरी प्रायोरिटी अंकिता, मनारा और अभिषेक है, जहां पर मुनावर भी अग्री करते हुए नजर आ रहे हैं। जिसके बाद अंकिता अपनी बातें बोलती है कि मैं इमोशनल हूं, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, और फिर करण जौहर कहते हैं कि अच्छा आप ऐसा क्यों करते हो कि कोई भी बात करने से पहले एक माहौल बना लेते हो कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, ये है वो है, इस तरीके से करण जौहर सुनाते हुए नजर आ रहे हैं अंकिता लोखंडे को। तो करण जौहर का सवाल यही है कि आपने अचानक से ये सारी चीजें की हैं कन्वीनियंस के हिसाब से, जब आपको पता चला कि मुनावर की प्रायोरिटी लिस्ट में आपका नाम नहीं है, इसीलिए आपने स्टेप बैक किया, ये अचानक से इस हफ्ते क्यों हुआ। तो यहां पर अंकिता लोखंडे कह रही है कि मुझे ना थर्ड व्हील नहीं बनना है, क्योंकि वो कंफ्यूज है, तो मुझे किसी की थर्ड व्हील नहीं बनना है। और फिर करण जौहर कह रहे हैं कि आपका ये कन्वीनियंस है, कन्वीनियंस के हिसाब से ही आपकी ये सारी चीजें हैं। फिलहाल आप बताइए आप कितना सहमत हैं करण जौहर की बातों से, करण जौहर के मुद्दों से।